हेलो बच्चों, वेलकम टू अभिषेक एजुकेशन फॉर एक्सीलेंस। कैसे हैं आप सब? कैसे चल रहा है आप लोग का इस अध्याय का जर्नी? क्वेश्चन नंबर 9 तक हम लोग कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे आज इस वीडियो में। यह अध्याय खत्म हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग करने वाले। तो देखो, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। गुड। जिसकी दो आसन्न भुजाएं सदिशों ए वैक्टर ये दिया हुआ है और बी वैक्टर के रूप में निरूपित है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिर्फ एक फॉर्मूला है और ये क्वेश्चन खत्म। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल वेक्टर के केस में अगर मैं बताऊं तो देखो, समांतर आप लोग पूरा लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 1/2 मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है क्या? तो ये होता है फॉर्मूला। तो हम लोग 1/2 तो नंबर है, तो हम लोग क्या फाइंड करना है? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हम लोगों को फाइंड करना है। तो ए वेक्टर क्या है? ए वेक्टर कहीं पे है क्या? ये दिया हुआ है सर, 2i-j+k। सर बी वेक्टर भी तो दिया जैसा लग रहा है, 3i+4j-k। ठीक है, तो हम लोग क्या करना है? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो ठीक है यहाँ पे मैं कर देता हूँ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब यहां पे हम लोग लिखते हैं आई जे के। अब हम लोग ए कैप को बस देखेंगे, ए कैप को देखो, आई वाला यहां लिख दो 2 है, जे के साथ -1 है, के साथ 1 है। अब बी वेक्टर को देखेंगे तो बी वेक्टर आई के साथ क्या है? 3, जे के साथ क्या है? 4, के साथ है -1। अब इसको हम लोग सारणिक सॉल्व कर देंगे, तो सारणिक सॉल्व करना आता है, सबको आता है। तो ये होता है आई आई, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, डायरेक्ट नहीं करूँ, चलो डायरेक्ट नहीं करता हूँ। तो इसके सामने वाला स्तंभ, सामने वाली पंक्ति को नहीं लिखेंगे, तो क्या होगा? -1, 1, 4, -1। फिर माइनस जे करते हैं तो इसके सामने वाला पंक्ति, ये स्तंभ और ये पंक्ति को नहीं लेंगे, तो क्या बचा? 2, 1, 3, -1, 2, 1, 3, -1, प्लस के कैप। सामने वाला स्तंभ और पंक्ति को नहीं लूंगा, 2-1, 3, 4, 2-1, 3, 4, ये बचा। ये ध्यान से देख लो, ये तो डायरेक्ट कर देना चाहिए, पर फिर भी बताया। अभी वह क्रॉस चेक कर लेते हैं, आई को लिया तो ये और ये नहीं लूंगा, तो -1, 1, -1, 1, 4, -1। ऐसे केस में बस चेक करना आप लोग भी एग्जाम में, जे के सामने वाला नहीं लिया तो 2, 1, 3, -1, 2, 1, 3, -1। ठीक है, फटाफट चेक कर लेना। के सामने वाला स्तंभ और पंक्ति नहीं लूंगा तो 2-1, 3, 4, 2-1, 3, 4 हो गया, सब सही है। तो ये आया आई, -1 का गुणा -1 से 1, माइनस का साइन डालते हैं हम लोग, 1 का गुणा 4 से, तो ये 4, ये माइनस जे, 2 का गुणा -1 से -2, फिर माइनस का साइन, 3 का गुणा 1 से, तो 3 बचेगा, 3 आता है ना, 3, प्लस के कैप के, 4 × 2 = 8, ये माइनस, और 3 का गुणा -1 से -1 आएगा, और माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आया? ये फाइनली मैं किसको सॉल्व कर रहा हूँ? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो क्या आएगा? 1-4 = -3i, यहाँ पे ये -3i, ये माइनस और माइनस प्लस होता है, और जोड़ घटाने में बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है, तो ये -5 आएगा, -5 का माइनस और ये माइनस, प्लस हो जाएगा, तो ये +5j। यहाँ पे 8 और 3 कितना होता है? 8 और 3 = 11 होता है। क्लियर है क्या? 1-4 - 3 - 3 और -2 - 5 हो जाएगा, -5 और ये माइनस, तो +5 हो जाएगा, 8 और 3 क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। तो ये आ गया। अब हम लोगों को क्या करना है? इसके फॉर्मूला में डाल देता हूँ, क्षेत्रफल का फॉर्मूला में डाल दो आप लोग। तो क्या हो जाएगा? 1/2 गुणा, अच्छा इसका मॉड भी तो निकालना है, अभी इसका मॉड भी तो निकालना है। ठीक, यहाँ पे इसका मेरे को मॉड निकालना है, तो मॉड क्या हो जाएगा? सर वर्गमूल करो, आई के साथ क्या है? -3 का स्क्वायर, प्लस जे के साथ क्या है? 5 का स्क्वायर, प्लस के साथ क्या है? 11 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? -3 का स्क्वायर क्या होगा? -3 का स्क्वायर 9, अब 5 का स्क्वायर 25 और 11 का स्क्वायर 121, बोलो याद था क्या 11 का स्क्वायर? अब ये क्या हो जाएगा? 121 और 9 130 और 25 हो जाएगा 155, ये 155 आया। किसका वैल्यू? इसका वैल्यू, तो पुट कर देते हैं ना। तो यहाँ पे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल लिखना, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या? 1/2 गुणा ये कितना आया?
रूट 155, ये मेरा आंसर है, ये मेरा आंसर है, ये मेरा आंसर हो गया। ये चार मार्क्स के लिए आता है, चार मार्क्स के लिए। ये लो, बस आप लोग को इसमें से जो ध्यान देना था बस वो यही ध्यान देना था, बस यही ध्यान देना था, समझ में आया, बस यही ध्यान देना था। तो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, बस ध्यान से देखना, वही मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन बोल रहा है ए वैक्टर और बी वैक्टर, ये जिसमें से मेरे को 2b वेक्टर का क्रॉस करना है a वेक्टर के साथ, और उसका मॉड निकालना है, उसका मॉड निकालना है। तो ठीक है, जो बोला है वैसी करेंगे। तो हमारे पास a वेक्टर है 4i प्लस j प्लस k, ओके सर, और b वेक्टर है क्या i माइनस 2k, ध्यान से देखना i माइनस 2k, ठीक है। अब यहाँ पे है 2 का मल्टीप्लाई है b वेक्टर के साथ, तो इस b वेक्टर के साथ 2 का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 2 का गुणा कर दूंगा तो 2i माइनस 4k हो जाएगा। अब मेरा काम का ये है और ये, ध्यान से देखते रहना, बस ध्यान से देखना ही था। अब मेरे को इस दोनों का क्रॉस करना है, तो मतलब 2b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर है, तो ध्यान से देखना, अब यहाँ पे ट्विस्ट आने वाला है, ये होगा i, ये होगा j और ये होगा k। अब यहाँ पे पहले जो है ना उसको कंसिडर करते हैं, ये यहाँ, यहाँ पे अभी मैं पहले कौन सा है 2b वेक्टर, 2b वेक्टर को देख रहा हूँ मैं, 2b वेक्टर, देखो 2b वेक्टर के साथ i के साथ क्या है, i के साथ 2 है, j के साथ क्या है, सर j तो है ही नहीं, j नहीं है तो 0, j नहीं है तो 0, k के साथ क्या है, इस k कैप के साथ क्या है -4, ये -4। अब इस a कैप को मैं टारगेट करूँगा, अब ये तो जो पहले लिखता है ना उसको पहले टारगेट करो, जो दूसरा है ना उसको यहाँ पे टारगेट करो। अब मैं ए कैप को देखूंगा, ए कैप को देखूंगा, इस बी से तो कोई मेरे को कोई मतलब ही नहीं है ना, यहाँ पे तो 2b है, तो 2b को मैं देखा, बी से कोई मतलब नहीं है। अब ए को टारगेट करो क्योंकि बाद में ए, तो यहाँ पे देखो आई के साथ है 4, जे के साथ है 1, के साथ है 1। अब मेरे ख्याल से लगता है आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो, पर चलो सॉल्व करवाया हम, चलो मैं सॉल्व करवा देता हूँ, चलो आप लोग अच्छे बच्चे हो तो सॉल्व करा देता हूँ। तो ये 2b कैप क्रॉस a कैप, तो क्या हो जाएगा, अब डायरेक्ट करूँ i, अच्छा अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ भाई i, ये और ये करते हैं, फिर इसका 2x2 का सारणिक होता है, तो 0 × 1, 0 आप लोग सारणिक करके कर सकते हो, और ये +4, जिसको भी समझ में नहीं आ रहा है वो ऐसे भाई पूरा कर सकता है, क्योंकि मैं ये सब आप लोग को सारणिक में बता चुका हूँ, इसलिए आप डायरेक्ट कर रहा हूँ, और इस क्वेश्चन में भी, पहले क्वेश्चन में भी पूरा डिटेल से किया। अब माइनस जे लेंगे, माइनस जे कैप, ये और ये नहीं लेंगे, ये और ये नहीं लेंगे, तो 2 का गुणा 2 1 के साथ, तो आ जाएगा कितना 2, माइनस माइनस 4 का गुणा 4 के साथ, तो आएगा -16, माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, तो ये आएगा, और ये आएगा प्लस के कैप, ये और ये नहीं लेंगे, तो 2 का गुणा 1 के साथ 0, और 0 का गुणा 4 के साथ 0 होता है, 2 का गुणा 1 के साथ 2 होता है ना, 2 होता है, 2 का गुणा 1 के साथ 2, 0 का गुणा 4 के साथ 0, तो यहाँ पे आएगा 2 - 0, मतलब कि ये 2 - 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, 4i कैप माइनस 18j कैप प्लस 2k कैप, ये किसकी वैल्यू आई भाई, क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू आई, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट। अब मेरे को इसका मॉड निकालना है, मेरे को इसका मॉड निकालना है, 2b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर का, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब क्या आएगा ये आप लोग करेंगे, वो आपका आंसर होगा, ठीक है, वो आप लोग का आंसर हो जाएगा। तो ये पूरा मैं करवाया, ठीक है। इसमें देखो a और b वेक्टर दिया है, a क्रॉस b, अरे यार ये तो मतलब ऐसी बात हो गया, ये तो अपन लोग डायरेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन एग्जाम में डायरेक्ट नहीं करना, एग्जाम में बकायदा a वेक्टर लिख के दिखाना एग्जामिनर को कि देखो हम पूरा लिखे हैं, प्रॉपर अपना रिफिल बर्बाद किए हैं, और प्रॉपर स्पेस भी दिए हैं, तो हमको भाई पूरा पूरा नंबर देना। यहाँ पे माइनस जे है, अरे आई वाला तो है नहीं इसमें, आई वाला तो है नहीं, माइनस जे कैप, तो ये तो अच्छा क्वेश्चन हो गया, और 3k कैप, ठीक है। पहले क्या करना है, क्रॉस फिर उसका मॉड, तो देखो क्रॉस कर रहा हूँ, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ओके, तो यहाँ पे कर दो आई जे के, आई जे के, तो सबसे पहले ये ए है ना, तो ए वेक्टर को कंसीडर करो, देखो आई के साथ क्या है 1,
जे के साथ है 3, के के साथ है -2। अब बी वेक्टर को कंसीडर करो, बी वेक्टर को आई के साथ क्या है, कुछ नहीं है, आई तो है ही नहीं, आई तो है ही नहीं तो 0। जे के साथ क्या है -1, के साथ क्या है 3। अब ये आप लोग सॉल्व कर सकते हो, ये आप लोग सॉल्व कर सकते हो। तो जो भी आंसर आएगा, जो भी आप लोग का आंसर आएगा, इसका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो भी आप लोग का आंसर आएगा, उसका आप लोग को मॉड निकालना है, उसका आप लोग को मॉड निकालना है, उसका आप लोग को मॉड, तो वो आप लोग का आंसर होगा फाइनली, तो वो आप लोग का आंसर होगा फाइनली। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 देखो, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 आपका होमवर्क रहेगा। अगर आप लोग पूरा क्वेश्चन नंबर 13 तक देखे हो ना, तो इसको आप भी आप लोग कर लोगे। तो यहाँ पे बल पूछा है, बल द्वारा किया गया कार्य पूछा है, बल द्वारा किया गया कार्य पूछा है, ये कार्य इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम मैं करवा चुका हूँ। फोर्स इंटू डी होता है, यहाँ पे हिंट दे देता हूँ। डी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो, एक कण को बिंदु इतने से इतने तक विस्थापित करता है। तो डी मान लो, इसको डी वन में मान लिया, किसको डी वन माना, किसको डी वन माना, पहले वाले को मैं डी वन मान लिया, पहले वाले को मैं डी वन मान लिया, ये डी वन, ठीक है। डी टू आप लोग को हिंट दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को करना है ना, 5i + 3j + 7k, ठीक है, आई टू, अच्छा 1 2 3 5 3 7, ठीक है। तो आप लोग डी कैसे निकालोगे, यहाँ पे डी डी निकालोगे डी टू माइनस डी वन करके, डी टू माइनस डी वन करोगे, ठीक है। यहाँ पे एफ कैसे निकालोगे, ये दिया हुआ है, सदिश दिया हुआ है, समांतर कार्य करता है, यहाँ पे 6 इकाई का है, याद है 1 इकाई का निकाले थे, फिर हम लोग कुछ करे थे पहले वाले क्वेश्चन में। तो आप लोग पूरा पहले से 13वां क्वेश्चन तक कर लोगे तो ये भी बनेगा। ये नया था, डी निकालना तो मैं बता दिया, ये नया था। तो देख लो, यहाँ पे सदिश दिया है का समांतर कार्य करता है, 6 इकाई का बल है, तो 6 का लास्ट में गुणा करना पड़ेगा, तो वहाँ से आप लोग का एफ आ जाएगा। तो जब आप लोग निकालोगे ना, सबसे पहले जो सदिश निकालोगे तो उसको निकाल लेना, फिर 6 का गुणा करना, देखना, एक क्वेश्चन में कराया हूँ ऐसा। तो ठीक है, मैं ये 13वां क्वेश्चन कराता हूँ, वीडियो को ख़त्म करता हूँ। तो यहाँ पे देखो, प्रत्येक लंब पर मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए बोला है, सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर दिया है, प्रत्येक पर लंब मात्रक सदिश बोला है। लंब मात्रक सदिश का एक फॉर्मूला होता है, लंब मात्रक सदिश का वो फॉर्मूला आप लोग को याद करना है, लंब मात्रक सदिश का फॉर्मूला जो है वो है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड। अगर आप लोग ध्यान से देख रहे होगे तो बार बार ए वेक्टर और बी वेक्टर ही चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ए और बी दे रहा है। मान लो यहाँ पे सी और डी देता तो यहाँ पे सी और डी हो जाता, यहाँ पे सी और डी हो जाता, क्लियर है। अगर यहाँ पे कुछ भी दिया हो भाई, तो वही वैल्यू यहाँ पे लेते। मान लो यहाँ पे कुछ नहीं दिया, तो आपकी मर्जी है, आप इसको क्या मान रहे हो, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, जो मानना है मानो। अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर दे दिया, तो यहाँ ए वेक्टर और बी वेक्टर में लिखा। सपोज यहाँ पे एक्स वेक्टर दे देता और वाई वेक्टर दे देता, तो यहाँ पे एक्स वेक्टर क्रॉस वाई वेक्टर होता और उन दोनों का मॉड निकालते, क्लियर है क्या। ठीक है, तो हमको सबसे पहले क्या करना है, क्रॉस निकालना पड़ेगा। तो अब मैं क्रॉस डायरेक्ट निकालूँ, आप लोग रेडी हो तो चलो। ये आई जे के, तो अभी किसको मैं टारगेट किया, ए वेक्टर को टारगेट किया, तो ए वेक्टर में मेरे को देखना है आई जे के, आई के साथ है 2, जे के साथ है 2, के साथ है 1। अब मैं बी वेक्टर को टारगेट किया, बी वेक्टर को अगर मैं टारगेट करूं तो मेरे पास है आई के साथ 4, जे के साथ 4 और -7 है किसके साथ, के साथ। तो इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, ये तो मतलब इससे ज़्यादा ईजी और क्या हो सकता है। तो ए वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर आया आई, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, सारणिक सॉल्व कर रहे हैं, इसके सामने की पंक्ति स्तंभ और ये पंक्ति को नहीं लेते, तो 7 × 2 = 14 -7 है, तो -14 -4, यहाँ पे माइनस जे करते हैं, सामने का स्तंभ और पंक्ति नहीं लिखते हैं, तो 7 × 2 = 14, ये भी हो जाएगा -14, क्योंकि माइनस है 4 × 4, ये माइनस, प्लस के कैप, सामने का स्तंभ और पंक्ति नहीं लिखेंगे, तो 4 × 8 -4 × 8, ये आया। एक बार क्रॉस चेक जरूर करेंगे, ये और ये, तो 7 × 14 -14 -4 एकदम क्लियर, -14 -4 -14 -4, ये भी एकदम क्लियर है। यहाँ पे 8 - 8 तो अगर आप लोग ध्यान से देख रहे होगे
तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या आया, -14 और -4 क्या हो गया, -18 आई कैप, माइनस माइनस प्लस, तो ये +18 जे कैप। ध्यान से देखो, -14 और -4 -18 होते हैं, देखो -18 ये आई कैप का आई कैप, -14 और -4 -18 होता है, -18 और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +18, और ये तो कट जाएगा तो ये जीरो हो गया, तो जीरो को लिखने का मतलब नहीं। यहाँ पे आप लोग ऐसा कर सकते हो, कॉमन बाद में निकाल लेना, कॉमन निकालने का अभी जरूरत नहीं है। अब इसका मैं मॉड निकाल रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, -18 का स्क्वायर +18 का स्क्वायर क्या होता है, वो आप लोग लिखोगे तो यहाँ पे कुछ आंसर आएगा, यहाँ पे कुछ आंसर आएगा। तो हम लोग को इसकी वैल्यू मिल गई है, इसकी वैल्यू मिल गई है, तो इसकी वैल्यू तो ये है, तो इसकी वैल्यू को रख देना, इसकी वैल्यू आप लोग को आएगा, आपको लोग निकाल के, अब मैं 18 × 18 थोड़ा कराऊंगा, वो तो आप कर सकते हो, तो 18 × 18 की जो वैल्यू आएगी बटे में ये कर देना, और आप लोग का आंसर कमेंट करके बताना कि इसका फाइनल आंसर क्या हुआ, फाइनल आंसर क्या हुआ। तो देखो बच्चों, यहाँ तक मैं 14 क्वेश्चन में करवाया, ये आप लोग का, आप लोग को हिंट दे दिया कि आप लोग कैसे करके एफ निकालोगे, ठीक है। तो मैं 13 क्वेश्चन तक करवाया और 14th क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क दिया। तो जितना भी क्वेश्चन है ना, सब इंपॉर्टेंट, और जो आप लोग को ये बोल रहा हूँ ना, तो यार आप लोग ना कमेंट में ना इसका आंसर देना, है ना, ऐसा नहीं, अगर आप लोग नहीं दोगे तो इससे इसका मतलब ये है कि आप लोग सॉल्व नहीं किए होगे, और आप कमेंट नहीं कर रहे हो, मतलब आपको कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर आप सॉल्व कर लिए और कमेंट नहीं कर रहे हो, मतलब आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, आप डर रहे हो कि आपका आंसर गलत हो सकता है, तो ये आप लोग करो, और नहीं बनेगा तो बताना ना इसका वीडियो, मैं सॉल्यूशन दे दूंगा, मैं इसका आंसर दे दूंगा, ठीक है। तो ये पूरा करवाया, तो आप लोग ध्यान से देखते रहना, ठीक है बच्चों। तो अब इस अध्याय को यहीं समाप्त करते हैं, हो गया जितना सफिशियंट था, मैं आप लोगों को बता दिया। मिलते हैं नए अध्याय में, मात्र 3 अध्याय बचा, उस 3 अध्याय को भी ऐसे ही हम लोग बेहतरीन तरीके से सॉल्व करके खत्म कर देंगे, ठीक है बच्चों। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, टाटा।